व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं वापस से खेलने जा रहा हूँ लॉकी क्राफ्ट। तो पिछली बार के वीडियो में मैंने एक न्यू वर्ल्ड बनाया था जिसका नाम था सब्सक्राइब एंड लाइक। तो फिर तुम लोगों को मेरे ख्याल से याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में एक अच्छा सा आलिशान हाउस बनाया था, लेकिन उसको मैंने ऊपर उसके जो हमारी टेरेस थी उसको अच्छे से कवर नहीं करा था और ज़्यादा अच्छा नीचे से भी नहीं बना था। लेकिन इस वाली लेकिन उसके उस वीडियो को बनाने के बाद मैंने थोड़े से चेंजेस लाए हैं और आज की इस वीडियो में मैं उनको उसी का टूर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने नीचे थोड़ा सा कारपेट लगा दिया है वूल का, और इस साइड में मैंने इसलिए इतना ज़्यादा कारपेट लगाया है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वॉल टाइप की बनाई थी ताकि हम लोग गिर ना सके, हम लोग स्टेबल रहें। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से ऊपर चलूँगा और अब यहाँ से हम गिर भी नहीं सकते अगर हम सर्वाइवल में खेलेंगे तो। अरे यार, यहाँ क्या लगा दिया मैंने। ओके, तो मैं तुम लोगों को ये कह रहा था, और मैं यहाँ पे चढ़ूंगा और मैं गिर भी नहीं सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉबर स्टोन की वॉल लगा दी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने एक यहाँ का जाने का रास्ता बना दिया है ताकि हम लोग उसको क्लोज करेंगे और फिर बाहर हम एनिमल्स को देख सकते हैं और मॉन्स्टर्स को भी देख सकते हैं कि कौन हमारे घर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और मिथ पैट की तरह ऊपर छत पर सो भी सकते हैं, क्या छोड़ो। हाँ, तो मैं यहाँ पे मेरे जो स्विमिंग पूल है मैंने और कुछ नहीं करा, मैंने क्वार्ट्ज जो था उसके ऊपर वैसी डिज़ाइन में मैंने वुडन प्लैंक्स लगा लिए हैं और मैंने यहाँ से ग्लास से ढक दिया। मैंने इस तरफ नहीं करा ज़्यादा क्योंकि स्विमिंग पूल ताकि ढके ना। ठीक है, अगर तुम लोगों को ये ऊपर का अजीब लग रहा हो तो फिर तुम लोग कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैंने ऊपर का तुम्हें सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा ही दिया है, तो अब मैं तुमको पहले नीचे का दिखा देता हूँ। एक मिनट यार, ये इसकी ना बहुत ज़्यादा बार हो रहा है, मतलब ये कुछ ज़्यादा बार हो रहा है, वापस लॉकी क्राफ्ट खोलना पड़ता है हमको बार बार। तो मैंने वापस खोल दिया है, और अगर किसी को पता हो कि हम कैसे भाई ऐसे में क्या करें हम, अगर तुम लोगों में से किसी को कोई ट्रिक पता हो तो फिर भाई बोल देना कमेंट्स में यार। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब नीचे जा रहा हूँ, मैं तुमको नीचे से जल्दी से करवा देता हूँ और नीचे का भी टूर दिखवा देता हूँ। आज का सिर्फ हाउस टूर ही है, छोटा सा वीडियो होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे ओ भाई अंदर क्या ही अंबानी का घर लग रहा है ना, मस्त टीवी और मस्त सोफ़ा, और यहाँ पे ये वैसे ज़्यादा कुछ मैंने करा नहीं नीचे, मैंने सिर्फ 2 वुड प्लैंक्स लगाए थे मैंने क्योंकि ताकि बड़ी ना हो जाए ज़्यादा वीडियो पिछली बार के उसमें। लेकिन इस वाली वीडियो में क्या हुआ, ओ भाई मेरे ख्याल से बाहर बारिश हो रही है, ओ बारिश होने लग गई, मुझे बारिश नहीं पसंद। खैर छोड़ो तुम लोग, हाँ तो मैं तुम लोगों को हाउस टूर करवाता हूँ यार, हमको क्या मतलब बारिश हो या ना हो। तो मैं तुम लोगों को ना ये कह रहा था कि ना मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ करा नहीं है, मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर दिया है और यहाँ पे मैंने फर्नेस को प्लेस कर दिया है। ठीक है, फर्नेस को प्लेस कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे बेड को प्लेस कर दिया है, और मैंने सब कुछ कवर कर दिया वुड प्लैंक्स, और यहाँ पे सोफ़ा बनाने के लिए मैंने क्वार्ट्ज की स्टेयर्स ले लिए ताकि सोफ़ा जैसा लुक आए, मैं यहाँ से आराम से ऐसे से बैठ के मैं टीवी देख सकता हूँ। और मैंने टीवी बनाया है ब्लैक वूल से क्योंकि कोई और ब्लैक ब्लॉक नहीं मिला मेरे को, और नीचे कुछ डॉट से मैंने ये कर दिया, और नोट ब्लॉक से मैंने स्पीकर्स टाइप के लग रहे हैं इसलिए मैंने इनको ऐसे बना दिया है। तो भाई आज का तो इतना ही था हाउस टूर, आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।